भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है। धोनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के साथ साथ आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 3 दफा चैंपियन बना चुके हैं। उनकी कप्तानी में सीएसके का सफर आईपीएल में बेहद शानदार रहा है और टीम 8 बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँचने में कामयाब रही है। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान संजू सैमसन ने खुद की तुलना धोनी से किए जाने पर बड़ा बयान दे दिया है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा है कि उनको नहीं लगता है कि धोनी जैसी कोई भी हो सकता है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में आईपीएल 2020 में खराब प्रदर्शन के बावजूद संजू को राजस्थान का नया कप्तान नियुक्त किया गया। राजस्थान की वेबसाइट में बात करते हुए संजू ने धोनी से तुलना किए जाने के सवाल पर कहा कि आई डोंट थिंक कि कोई भी एमएस धोनी जैसा हो सकता है, मैं खुद के जैसा बनना रहना पसंद करूंगा। संजू काफी अलग तरीके से खेलेगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम का प्रदर्शन पिछले सीजन बेहद निराशाजनक रहा और टीम ने टूर्नामेंट को सबसे निचले पायदान पर रहते हुए खत्म किया था। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में टीम ने 14 मुकाबलों में से महज 6 में जीत दर्ज की थी, जबकि 8 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान की टीम ने ऑक्शन से पहले बड़ा फैसला लेते हुए स्मिथ को रिलीज कर दिया था और संजू को टीम का नया कप्तान घोषित किया था। आईपीएल 2021 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दमदार खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। क्रिस मॉरिस को टीम ने रिकॉर्ड 16 करोड़ 25 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा, जबकि डेविड मिलर, शिवम दुबे जैसे प्रभावशाली प्लेयर्स भी राजस्थान की टीम में हैं। हालांकि जोफ्रा आर्चर का शुरुआती मैचों से बाहर होना टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। आर्चर कोहनी की चोट की वजह से परेशान थे, जिसके चलते उनको सर्जरी करवानी पड़ी है। राजस्थान ने बैटिंग में लियाम लिविंगस्टोन को एक बार फिर ऑक्शन में खरीदा है, जबकि अनकैप बॉलर चेतन सकारिया को टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर टीम के साथ जोड़ लिया है। एएनपी न्यूज रूम से दीपक खट्टर की रिपोर्ट।